नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र राजीव मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। स्वैच्छिक दुनिया के आगामी अंक जो कि 1 जुलाई 2020 को आ रहा है के लिए एक नया शीर्षक आपके समक्ष प्रस्तुत कर। मित्रों, जैसा आप जानते हैं 1 जुलाई वैसे भी किसी भी शैक्षिक सत्र की एक नया काल होता है, किसी भी शैक्षिक सत्र का एक नया परिवेश होता है। हर बार जुलाई में ही स्कूल खुलते हैं और हर बार जुलाई से ही नए सेशन की प्रक्रिया उपलब्ध होती है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में, अपने एक पत्र के माध्यम से, अपने एक वक्तव्य के माध्यम से फीस वृद्धि पर एक आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। आज फिर से मैं उसी शीर्षक को, उसी मुद्दे को आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमारे कई मित्र, क्योंकि ये कहना अनुचित नहीं होगा कि हम कोई वर्ग नहीं हैं, हम भारत के जो नागरिक हैं वही अभिभावक भी हैं, क्योंकि हम या तो खुद किसी के बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, हमारे रिश्तेदार सभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो अभिभावक का मुद्दा है वो सबका है। बस हम उसको या तो सही ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं या सही ढंग से अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। मगर बंधुओं, पीड़ा ये हम सब की है। मेरे कई मित्र मुझसे कह रहे हैं कि फीस, जो खासतौर पे अंग्रेजी स्कूलों की फीस हैं, जो ऊंची फीस हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर एक बोझ है। और लोग लगातार इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि इस फीस को माफ़ होना चाहिए, ये फीस स्कूलों द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। कई जगह कई लोगों ने संघ बनाया हुआ है, कई लोगों ने अपने अपने स्तर से, तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं। मित्रों, चूँकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, सभी प्रबुद्ध वर्ग को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जो भी बात करें वो हमारे संविधान के दायरे में रखकर हो, हमारी नागरिकता के बंधन में हो, ताकि जो हमारी बात हो वो नियम सम्मत हो। अगर नियम सम्मत बात होगी तो उसे शासन भी सुनेगा, प्रशासन भी सुनेगा, और ज़रूरी बात को हमें भी मानना चाहिए और हमें ज़रूरी बात कहने का हक भी होना चाहिए। मेरे जिन मित्रों ने कहा कि फीस माफ़ी होनी चाहिए, मैंने उनके लिए पहले से कहा कि नहीं, फीस माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था बगैर उसके आर्थिक प्रबंधन के, बगैर उसके वित्तीय प्रबंधन के नहीं चलती है। अगर हम भी कहीं नौकरी कर रहे हैं तो चाहे हम आधा ही वेतन ले रहे हों, लेकिन हम वेतन ज़रूर ले रहे हैं। इसलिए जो कोई संस्था चल रही है, कोई स्कूल जैसी संस्था चल रही है, वहाँ भी टीचर हैं, वहाँ भी क्लर्क स्टाफ है, शिक्षणेतर स्टाफ है, जो कि अपनी सेवाएं दे रहा है, और नहीं भी दे रहा है तो कम से कम उनके अपने बच्चे हैं जो उन पर डिपेंड हैं। इसलिए मेरा ये मानना नहीं है कि फीस माफ़ी होनी चाहिए, लेकिन मेरे जो दिमाग में आता है वो आपके समक्ष रखता हूँ। दिमाग में ये आता है कि हमको केवल उतनी ही फीस दी जानी चाहिए, उतनी फीस हमें देनी चाहिए जो हम पर भी भार ना पड़े, जिसका भार हम पर भी ना पड़े। क्योंकि अगर आप पाएंगे तो बहुत सारे अभिभावकगण निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, निजी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ उनकी आय, जहाँ समस्त व्यापार प्रभावित हुआ है, वहीं उन व्यापारी बंधुओं की, उन जो नौकरी कर रहे थे प्राइवेट बंधुओं की, उनकी आय भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और दूसरा मुद्दा मित्रों ये कि जब हम पिछले साल की अगर फीस की रसीद उठा के देखेंगे किसी भी कॉलेज की, किसी भी स्कूल की, तो हम पाएंगे कि वहाँ विभिन्न मदों में फीस ली जाती है। मेरे एक भाई हैं, मैंने उनसे इस विषय पे चर्चा करा और कहा कि भाई फीस माफ़ ना हो, जब बिल्कुल वो फीस दी जाए जिससे हमने, जिसका उपयोग किया है, जिस बात का हमने उपभोग किया है उसी बात का हमको व्यय करना चाहिए। मैं चूंकि एक शोधार्थी हूँ, सोशल रिसर्च फाउंडेशन नामक एक संस्थान चलाता हूँ, स्वैच्छिक दुनिया नामक एक समाचार पत्र का संपादक हूँ, इसलिए मैं भारत के संविधान में रह के नियम सम्मत और तर्क संगत, कुतर्क की बात नहीं करना चाहता, तर्क संगत बात करना चाहता हूँ। मैं आपकी इसी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हमारी कमाई नहीं है तो हम फीस किस तरह पे करें। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि
हमारे पास कमाई नहीं है और हमने अपने बच्चों को जो स्कूल भेजा है, जो हमने इन दिनों पढ़ाई कराई है, वो पढ़ाई हमने ऑनलाइन कराई। अगर शिक्षा के मद में भी देखें, स्कूल के मद में भी देखें, तो हमने ना तो स्कूल की बिल्डिंग का यूज़ किया है, ना हमने लाइब्रेरी का यूज़ किया है, ना हमने स्कूल का ग्राउंड का यूज़ किया है, ना हमने अपने बच्चे को किसी वाहन से स्कूल भेजा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उस फीस में, उस फीस रसीद में जो ये तमाम मद और लिखे हुए हैं, उन मदों का जब हमने उपयोग नहीं किया है, तो हम उस मद को, उस मद में फीस देने के अधिकारी या हमारा जो उत्तरदायित्व तो है वो नहीं बनता है। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए कि आधी होनी चाहिए या तिहाई होनी चाहिए या चौगुनी होनी चाहिए, मैं ये बात नहीं करता मैडम, लेकिन मैं ये बात जरूर करता हूँ मित्रों कि उस स्कूल फीस में एक मद दिया है ट्यूशन फीस। हम इस बात से बिल्कुल एतराज़ नहीं करते कि हमारे बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, हमारे बच्चे ने वो ट्यूशन फीस का उपयोग करा है, स्कूल वाले ने उसको वो पढ़ाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो ट्यूशन फीस दें। अब वो ट्यूशन फीस आधी हो तो हम आधी दें, वो ट्यूशन फीस पूरी हो तो पूरी दें, और उस ट्यूशन फीस का जो भी मद हो हमको वो फीस ज़रूर देनी चाहिए। और मैं स्कूल प्रबंधन से, मैं इस सरकार से, मैं तमाम आप लोगों से आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से ऐसी आवाज़ उठाएं। हम फीस माफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि जिस चीज़ का उपयोग हमने नहीं किया, मान लीजिए सामान्य दिन होता और हमने अपने बच्चे को स्कूल ना भेजा होता, हम एक साल के लिए अपने बच्चे को स्कूल ना भेज पाते, तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे का स्कूल से नाम तो कट जाता, लेकिन हम फीस नहीं देते। अगर किसी साल स्कूल चल रहा होता और हमने स्कूल वाहन का उपयोग नहीं किया होता, हम अपने बच्चे को स्वयं छोड़ने जाते, तो क्या हम स्कूल की बस का फीस देते? नहीं, हम शायद स्कूल की बस का फीस नहीं देते। अब ये उनकी, ये प्रबंधन की समस्या थी कि वो बस चले अथवा ना चले। इसी तरह जब हमने स्कूल की उन तमाम मदों का उपयोग नहीं किया है जिनमें बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, ग्राउंड और तमाम चीज़ें, तो हम उस फीस को नहीं देना चाहते, साधिकार नहीं देना चाहते। ऐसा अधिकार हमें होना चाहिए और ऐसी बात हमें उठानी भी चाहिए, क्योंकि इस समय जो मोटी फीस है, जो बहुत महंगी फीस है, वो अगर हम अप्रैल से लेकर अभी तक देंगे, तो जिन व्यापारी भाइयों की दुकानें बंद थीं, जिन व्यापारी भाइयों का व्यापार नीचे आ चुका था, जिन प्राइवेट कर्मचारियों कि सैलरी में घटौती हुई, जो जिन प्राइवेट कर्मचारी भाइयों की नौकरी छूट गई, उनके लिए ये बहुत बड़ा बोझ हो। तो मैं फीस की सार्थकता या उचित फीस, यही शीर्षक आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जो हमारा 1 जुलाई है, ये हम सब की चिंता है, हम सभी अभिभावकों की चिंता है। इसमें ना ऊंच है, ना नीच है, ना जात है, ना पात है, ये जो विषय है ये भारत के सामान्य नागरिक का विषय है, और सामान्य नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकार की बात करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए। कर्तव्य और अधिकार की बात आती है, तो मैंने सुना था कि अगर हम अपना कर्तव्य करें तो दूसरे का अधिकार सुरक्षित रहेगा। हमारा कर्तव्य यही है कि हम स्कूल को फीस दें, जितना हमने उपयोग किया है उतनी फीस हमको देना चाहिए। हमने ट्यूशन फीस का उपयोग किया है, हम अपने बच्चों को हमने स्कूल से ट्यूशन दिलवाई है, ऑनलाइन क्लासेस करवाई है, जाहिर सी बात है हमें उस शिक्षण पद्धति का फीस देना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों का उपयोग हमने नहीं किया उनका हम ना दें, इससे स्कूल का जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक मॉड्यूल है, उनको टीचर्स को पे करने का, उसमें उनको कुछ लाभ होगा, उससे वो फीस दे पाएंगे। बिल्डिंग की फीस से किसी शिक्षक कि यदि फीस दी जा रही होती तो फिर बिल्डिंग फीस अगर उन्होंने नाम रखा है तो ये छत बना रखा है, और छत में फीस में ली गई फीस का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। जाहिर सी बात है कि जो ट्यूशन फीस के मद में ही जो फीसें ली गई होंगी उसी को उन्होंने वेतन में डाला होगा, तो उस वेतन को देने के लिए ट्यूशन फीस बहुत अधिक है। मैं नहीं समझता कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस देनी चाहिए, तो मैं फीस माफ़ी की बात नहीं करता, मैं फीस, उचित फीस और फीस की सार्थकता की बात करता हूँ। आपके घर में बच्चे हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे हैं, आप उनके हक में इस बात को उठाइए। और 1 जुलाई को जो हम शीर्षक दे रहे हैं उचित फीस, इसी विषय पर अपनी कोई लघु कथा, कोई संस्मरण, कोई कुछ
ऐसा मुद्दा, ऐसा लघु कथा के रूप में ऐसा लेख लिख के भेजिए जो समाज के हित में हो, समाज की आंखें खोले, हमारे संविधान के तहत हो। स्वैच्छिक दुनिया किसी भी कीमत पे किसी बंदी का आह्वान नहीं करता। स्वैच्छिक दुनिया किसी भी कीमत पे किसी असंवैधानिक चर्चा की तरफदारी नहीं करता। स्वैच्छिक दुनिया संविधान के भीतर रहकर अपने हक को मांगने की तरफदारी जरूर करता है। आपकी बात को उठाने का एक मादा, एक मुद्दा और एक प्लेटफॉर्म जरूर रखता है। मैं चाहता हूं कि एक लघु कथा आप लिखें, 500 शब्दों की लघु कथा लिखें, जिससे एक अभिभावक की पीड़ा व्यक्त हो, जिससे एक उस व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त हो जिसकी एक तरफ तो नौकरी छूट गई और दूसरी तरफ अगर वो फीस ना दे पाया तो उसके बच्चे की पढ़ाई भी छूट जाएगी। चिकित्सा, शिक्षा, ये हमारा मौलिक अधिकार है मित्रों, इसलिए चिकित्सा और शिक्षा जरूर हमें प्राप्त होनी चाहिए, उसके लिए हमें उचित फीस भी देनी चाहिए। मैं आपके लेख का इंतजार करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपकी जो कथा हो वो मैंने पहले भी कह के रखा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए आप कुछ ऐसा लिखें जिससे सरकार की, जिससे प्रशासन की, जिससे स्कूल प्रबंधन की आंखें खुलें, उनको भी आपकी समस्या समझ में आए। कुछ ऐसी बात लिखें जिससे हमारे अभिभावक बंधुओं को लगे, क्योंकि वही टीचर हैं और वही अभिभावक भी हैं, वही मंत्री हैं और उनके बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, और वही गरीब है उसके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये समस्या किसी एक जाति की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है, एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये समस्त समाज की समस्या है। तो हम इसको समस्त समाज, भारत का नागरिक मानते हुए इस समस्या को हमको रखना चाहिए। एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है, चलते चलते आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है सारे लेख हम ना प्रकाशित कर पाएँ, लेकिन मैं सारे लेख अपने, जो हमारा वेबसाइट है स्वैच्छिक दुनिया .page, इस पर सारे लेख ऑनलाइन होते हैं, सारे लेख प्रकाशित होते हैं। जिस फीस की हमने बात करी, उस फीस में जब हम इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो स्वैच्छिक दुनिया भी एक इंस्टीट्यूशन है, जाहिर सी बात है कि हमको उसको चलाने के लिए भी वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं वायदा करता हूं कि आपके समस्त लेख स्वैच्छिक दुनिया .page पर प्रकाशित होंगे। और यदि कोई बात ऐसी भी है, कई बार क्या होता है, हम 500 शब्दों में या कई बार हम लेख के माध्यम से अपनी बात नहीं कर पाते, नहीं विन्यास को भून पाते, तो स्वैच्छिक दुनिया अपने जो कार्यक्रम है, आपने देखा होगा हमारे विभिन्न पेजेस के माध्यम से हम ऑनलाइन वक्तव्य की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें साहित्यकार बंधु काव्य पाठ कर रहे हैं, तो कहीं लेखक बंधु, जो हमारे टीचर बंधु हैं, वो अपने व्याख्यान वहाँ पर दे रहे हैं। तो यदि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा है कि आप लिखने में असमर्थ हैं लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें, हमें मैसेज करें, और हमारे जो स्वैच्छिक दुनिया का ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज है स्वैच्छिक दुनिया का, ये जिस पेज पे आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आप इस पर लाइव आकर भी अपनी चर्चा को समाज के समक्ष रख सकते हैं। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि यदि आपके पास लेख या कहानी नहीं है तो आप हमारे पेज पे लाइव भी आ सकते हैं। एक बात मित्रों मैं और कहना चाहता हूं अपने लेखक बंधुओं से, जो हमें स्वैच्छिक दुनिया के लिए अपनी लघु कथाएँ दें, जब आप किसी पत्र को अपनी लघु कथा देते हैं, किसी पत्र को अपना लेख देते हैं, तो एटलीस्ट वो जो पेज होता है, वो जो लेख होता है, वो उस पत्र के कॉपीराइट में आता है। हमारे बहुत सारे मित्र लेखक बंधु जब हमको कहानी भेजते हैं, तो जब तक हम उस कहानी को छांटें, उसको प्रकाशित करें, उसके लिए सर्टिफिकेट बनाएं, तब तक मैं देखता हूं कि उन लेखक बंधुओं का वही लेख किसी और समाचार पत्र में या किसी और पत्रिका में छप चुका होता है और वो फेसबुक पर आ भी चुका होता है। तो मित्रों, हम यूनिक ढूंढ रहे हैं, हम ऐसा ढूंढ रहे हैं जो अभी तक ना छपा हो, अप्रकाश से हो, जिसको हम प्रकाशित करके आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकें, और जिसको अभी तक आपने प्रकाशन के लिए ना भेजा हो। क्योंकि अगर आपने उसको प्रकाशित कर दिया तो मेरे सर्टिफिकेट देने का कोई, मेरे जो प्रशस्ति पत्र देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको एक बात इसको भी ध्यान में रखकर करना होगा कि नंबर एक, वो कहीं छपा ना हो, ऐसे हमको लेख भेजें, और नंबर दूसरा, कम से कम हमारे यहाँ अगर छपा है तो उसके एक महीने तक आप कहीं उस लेख को छपने के लिए ना भेजें, क्योंकि जब हमारे यहाँ छप जाए, हमारे सारे पाठक बंधु उसको पढ़ लें, उसके बाद वो लेख आपका है, आप जहाँ इच्छा जिस प्लेटफॉर्म पे चाहें उसको छपवाएं, लेकिन फिलहाल आप उसको हमारे प्रशस्ति पत्र, हमारे निर्णायक मंडल के निर्णय देने तक आप उस लेख को कहीं और ना भेजें।
तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप किसी भी कीमत पर रविवार तक अपने लेख हमें भेज दें, अपने जो लघु कथा है वो हमें भेज दें, ताकि हम इस समस्या को आपकी लेखकीय क्षमता के साथ साथ भारतवर्ष के जो अभिभावकों की समस्या है, जिस बात को हम लोग सही ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं, शायद कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे हम अपनी बात आगे रखने में समर्थ और सक्षम हो सकें। अगर हमारे किसी भी लेख से कोई भी रास्ता निकल के आ सकता है, तो मैं अपनी इस स्वैच्छिक दुनिया, इस लेख की, इस संपादकीय प्रक्रिया को धन्य समझूंगा, उसका रास्ता उचित समझूंगा। मैं आपके लेख के इंतज़ार में हूं और रविवार तक आपके लेख का इंतजार करता हूं। आप जल्दी से जल्दी अपने लेख को भेजें। आपका अपना राजीव मिश्रा। इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार। All right, all right.